आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश का शेड्यूल संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। शेड्यूल संसदीय क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट होने लगा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक दिवसीय शेड्यूल दौरे पर शेड्यूल पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने शेड्यूल भाजपा कार्यालय में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक ली। इस बार 400 के पार की बात कही। वही कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की टिकट चौराहे पर टकी है, कोई लेने वाला नहीं है। वही कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने में घबरा रही है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह की गुड़माना ज्वाइन करने पर उन्हें नसीहत दी। शेड्यूल में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक दिवसीय शेड्यूल चुनाव दौरे पर पहुंचे भाजपा पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा कार्यालय शेड्यूल में भाजपा की पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक ली, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 400 के पार का मूल्य मंत्री दिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की टिकट चौराहे पर टकी है, कोई लेने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से इनकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी मामलों में नंबर एक पर है। उम्मीदवार मध्य प्रदेश में 100% हम घोषित कर चुके हैं, और कई जगह पर टिप्पणियां आ रही हैं कि कांग्रेस की टिकट चौराहे पर टकी है, कोई ले जाए। ये परिस्थितियां हैं, ये कोई ले जाए। पहले हम नारा देते थे कांग्रेस को, कांग्रेस ने अपने परिवारवादी और कुनीति के कारण, अमर्यादित व्यवहारों के कारण, विकास को स्वीकार न करने के कारण ये परिस्थिति स्वयं पैदा करती है कि वो उम्मीदवार घोषित करने में स्वयं घबरा रहे हैं, वो तैयार नहीं। हमारे पास में नेता है, सिर्फ देश में नहीं दुनिया में अचम लगाने वाले नेता हैं। नीतियां हमारी स्पष्ट है। आने वाले 25 साल में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने। हमारी भाषा में भारत माता विश्व गुरु के पद पर बैठे, इस बात का चुनाव इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हमने संकल्प रखा है। इस बार 400 पार, फिर इस बार मोदी जी। मुझे लगता है कि इसे भगदड़ में नहीं मानता। दो बातें बड़ी शताब्दियों बाद भारत की धरती पर हुई है, एक रामलला की आप कोई हमारे उस विचार के कारण, उस नीतियों के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है, क्योंकि हम तो भारत के हर नागरिक के साथ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसलिए कोई हमारे साथ आए विकास के सिद्धांत के लिए, भारत माता के स्वाभिमान के लिए उसका स्वागत। जीवन में कोई ना कोई गलती बड़ी कर लेता है आदमी, उसका पछतावा। भाजपा राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह की गुड़माना करने पर पार्टी ज्वाइन कर नामांकन दाखिल करने पर भाजपा पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने नसीहत देते हुए कहा कि जीवन में कोई ना कोई गलती बड़ी कर लेता है, फिर बाद में पछताना है। उसके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शेड्यूल से जुगल किशोर मिश्रा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।